हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मैक्स सिंह। तो एक और लाइव स्कैल्पिंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो करेंटली मैं हूँ अभी फुकेट में, और कल मैं ट्रैवल कर रहा था, पताया से फुकेट आया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग किया था, 6-7 स्कैल्पिंग किया था कल, और वो मैं ट्रैवल करते करते ट्रेड कर रहा था, दैट्स वाई मेरा कल नुकसान हो गया था। मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाला था, वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ड्यू टू मैं बाहर था, ओके। लेकिन आज का मैं रिकॉर्ड कर पाया हूँ, और देखना वीडियो को एंड तक, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और पीछे का नज़ारा देखो गाइस, कितना अच्छा है, आप देख सकते हो। एक बार दिखा देता हूँ मैं अपने रूम से बाहर का व्यू, ये है, देख सकते हो, यहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये है स्विमिंग पूल, लोग नीचे नहा रहे हैं, ओके। और ये है समुंदर, क्या ही अच्छा व्यू है, मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आप अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बस आपका फोकस होना चाहिए सीखने पे, लर्निंग पे, ओके। आप प्रॉफिट लॉस मत देखा करो कि क्या है नहीं है, दूसरे से आप कितना सीख सकते हो, ठीक है। जब आपसे कोई एक रुपया नहीं ले रहा है तो आप बस सीखने पे फोकस करो कि यार जहाँ से भी मुझे सीखने का मौका मिलेगा मैं सीखूंगा और सीख के आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको मजा आएगा, लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 9:25, और मार्केट देखोगे तो इस जगह पे ओपन हुआ था बैंक निफ्टी 46,415 पे, और थोड़ा स्लो आया, और ये जो नीचे सपोर्ट आपको दिख रहा है, इस जगह से मार्केट ऊपर गया था, फिर से फॉल आया था, सेम जगह से यहाँ से बाइंग आया था, और इस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा टाइम तक मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, तो यहाँ से ही फिर से बाइंग स्टार्ट हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से आज फिर से एक रेंज में रहने वाला मार्केट, तो आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हैं छोटा छोटा, जैसे कि यहाँ से पहले फॉल किया, पुल बैक, फॉल किया, पुल बैक, फॉल किया, फिर से ये पुल बैक आ रहा है, तो ये फिर से कहाँ तक जा सकता है, 46,720 तक जा सकता है, ये अपने अपर रेंज तक, फिर यहाँ से फॉल करेगा। तो जब तक इस रेंज में रहता है आप नीचे बाइंग का ट्राई करो, ऊपर से सेलिंग का ट्राई करो, सिंपल सा लॉजिक क्लियर रखो और उसके बाद स्कैल्पिंग करो। तो अभी मैं यहाँ पे बाइंग का सेटअप ढूंढ के यहाँ पे एंटर करूँगा, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉल पुट दोनों ऐड कर चुका हूँ, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे पास इन द मनी का कॉल एडेड है और इन द मनी का पुट एडेड है, ओके। देखते हैं अगर कॉल साइड में एंट्री बनता है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, अगर रिवर्सल ट्रेड भी दिखेगा तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, ओके। अभी फिलहाल तो ये कॉल साइड में प्रीमियम गिर रहा है, एक बार सेटअप बनने दो, ये यहाँ पे कॉल में सपोर्ट एरिया भी बना हुआ है, तो इसको इतना ईजिली यहाँ से ब्रेक तो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर ये बुलिश कैंडल बनता है तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करूँगा, ठीक है। स्कैल्पर मोड 900 क्वांटिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर ये जोन के नीचे जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा इसको। अभी 20 सेकेंड बचा हुआ है, देखते हैं, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देगा तो ये ट्रेड नहीं लगाऊंगा, ठीक है, कैंसिल कर दूंगा, दूसरा प्लान करूंगा। तो मार्केट गिरा है लेकिन पुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं है, तो ये एक अच्छा साइन होता है, ओके। नीचे क्लोज कर दिया है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मुझे कंफर्मेशन है कि ये मार्केट अभी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पुट में देख सकते हो पुट का प्रीमियम कैसा जरा सा भी नहीं बढ़ा है, मतलब लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को गिराने में, ठीक है, लेकिन कॉल का प्रीमियम यहाँ पर डिके हो रहा है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बुलिश कैंडल चाहिए एंट्री के लिए, ऐसे गलत कैंडल में एंटर करोगे तो आपका स्कैल्पिंग में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जनरली स्कैल्पिंग में आप बड़े क्वांटिटी में एंटर करते हो और एग्जिट करते हो, ठीक है, तो उसमें आपका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रॉफिट निकाल पाओगे, अदरवाइज आपका डायरेक्शन सही होगा, एनालिसिस सही होगा, लेकिन फिर भी आप लॉस में उस ट्रेड को एंड करोगे, ओके। बुलिश कैंडल क्लोज करने दो, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, 12 सेकेंड और बचा हुआ है, ये कैंडल फिर से यहाँ पर ख़राब कैंडल बना रहा है, तो मैं यहाँ पर पुट साइड में भी ट्राई कर सकता हूँ, करूँगा अभी तो स्कैल्पिंग रहेगा, बहुत ही माइनर सा, देख सकते हो पुट के प्रीमियम में उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना ये, मैं यहाँ पे पुट में ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट में एंट्री बन रहा है, तो बी फ्लेक्सिबल गाइस। मेरा सिंपल सा स्टॉप लॉस रहेगा क्या, कि अगर ये कॉल साइड में, ठीक है, कॉल साइड में अगर ये इस ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगा तो मैं इसमें पुट में एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर रहा हूँ, ओके, मैंने 201 पे बाय किया है, देखते हैं ये जोन के नीचे का एसएल दूंगा मैं, छोटा सा एसएल रहेगा मेरा, देखते हैं, ऐसे तो मार्केट बुलिश है लेकिन जो भी सिस्टम पे जो भी ट्रेड दिखे आपको वो करना चाहिए, ओके। आई थिंक मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया क्योंकि ये तेज़ी से फॉल किया था, ठीक है, 10-12 पॉइंट का ही असल गया है, ज़्यादा नहीं, कॉल में एंट्री बन चुका है, तो मैं यहाँ पे कॉल में एंटर कर लेता हूँ, जब तक आप एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, ओके, मेरा कॉल साइड में एंट्री बन चुका है, कैंडल लो का असल रहेगा, अगर ईएमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करूंगा थोड़ा सा, ओके, एटलीस्ट इसको 250 तक तो ले जाएंगे, ठीक है, 250 तो काफ़ी दूर है बट फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है,
अगर आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेड करते हो तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके ये मेरा सेकंड स्कैल्पिंग है, तो देख रहा हूँ ये भी यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। आजकल बैंक निफ्टी इतना अलग तरीके से मूव करता है ना कि बोर हो जाओगे ट्रेड करोगे तो। चलो इसको भी एग्जिट करना पड़ेगा 10-15 पॉइंट के एसएल में। मैंने इसको भी एग्जिट कर दिया, ठीक है। छोटा छोटा दो एसएल हिट हो चुका है, अभी मार्केट गिर रहा है। अभी भी ये अपने सपोर्ट एरिया पे ही ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो ये इसका बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से कभी भी मार्केट में बाइंग आ सकती है। रिस्क लेने का तो यहाँ पे अभी भी कॉल साइड का ही ट्रेड है। इस जोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तभी यहाँ पे कॉल साइड में गलत हो गए, ठीक है। 170 चल रहा है। चलो यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ थोड़ा सा कॉल साइड में ही सेम स्ट्राइक प्राइस में, क्योंकि ये अपने सपोर्ट एरिया पर ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके तो मैंने यहाँ पे दोबारा 175 पे एंटर किया है। ओके 175 पे एंट्री है। एग्जिट ऑर्डर रेडी रखता हूँ मैं, स्कैल्पिंग करता हूँ तो इतना तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका ट्रेड। यहीं पर एंटर किया हूँ, लेट्स सी मार्केट का कॉल का प्रीमियम गिर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पे क्यों रिस्क लिया हूँ अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखो इसके जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो ना उसके अगेंस्ट वाला चार्ट देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाया है बाइंग का, सेलिंग का यहाँ पे कैंडल देखो कि किस तरह से यहाँ पे कैंडल बनाया है, ठीक है। आप देखो बैंक निफ्टी में पुट का प्रीमियम गिर रहा है और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एंट्री कैंडल बना है, तो अगर इस जोन के ऊपर एक भी कैंडल पुट में बनेगा ना तभी एग्जिट करूंगा, क्योंकि छोटा छोटा बार बार एंट्री एग्जिट सही चीज़ नहीं होता है। तो अगर इस जोन के ऊपर एक भी कैंडल निकलेगा पुट में तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कॉल साइड से कट कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज जब तक ये नीचे मूव करता है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है अच्छा पैसा देने का। लेट्स सी, अच्छा मूव कर रहा है, ग्रेट। बस एक बार फास्ट बाइंग आ जाना यहाँ से तो मज़ा आ जाएगा। ओके आप देख सकते हो इसमें 15-16,000 के आसपास लॉस था, अभी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट में आ चुके हैं, ग्रेट। अच्छा मूव कर रहा है, टारगेट रहेगा इसमें 50 पॉइंट का, 226 पे, 226 पे एग्जिट किया जाएगा इसको। ये ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार का इसमें 18 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ओके ग्रेट, अब इसमें लॉस नहीं लूँगा, अगर ये मार्केट रिवर्स होता है ना तो इस कैंडल के नीचे मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा मूव कर रहा है, 6,000, इसमें 15,000 का नुकसान था और अभी रिकवर करके 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। 20-22 हज़ार का इसमें प्रॉफिट अभी चल रहा है। ओके एक स्पाइक और ऊपर चाहिए तो मेरा टारगेट आ जाएगा। यार आजकल बैंक निफ्टी ना पूरा मेरा तो बैंक निफ्टी से ऐसा हो गया है कि आजकल मूव करता ही नहीं है, पूरा दिल उठ गया है ट्रेड करने से। पहले क्या मज़ा आता था, वन साइडेड अगर मूव करता था तो बड़ा मूव करता था, आजकल मार्केट इतना टफ हो गया है कि पैसा बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो। अभी 200 पे चल रहा है, 20-25 पॉइंट और चाहिए मुझे इसमें। ओके ग्रेट, ओके 22,000, ओके आई थिंक ये स्कैल्पिंग डन। 17,000 में आई थिंक मैंने इसको बुक कर दिया, ये काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग था, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ओवरऑल पोजीशन बुक देखोगे तो 5,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पहला ट्रेड इसमें लिया था 11,000 का नुकसान हुआ था, दूसरा ट्रेड लिया था तो इसमें 15-16 हज़ार का नुकसान हुआ था, फिर थर्ड स्कैल्पिंग किया तो इसमें 30,000-31,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ और अभी मैं यहाँ पे ग्रीन में आ चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। आप देखो यहाँ पे मैंने अभी तक 3 ट्रेड लगाया है, ठीक है। देखोगे पहला बाई सेल किया, ठीक है, इसमें नुकसान हुआ छोटा सा, 200 पे बाई किया था, 188 पे निकला तो इसमें 12 पॉइंट का गया, 197 पे बाई किया और 177 पे गया, इसमें भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, ठीक है। और इसमें देखोगे 173 पे बाई किया था, 210 पे बाई एग्जिट किया, तो ये अच्छा 3 स्कैल्पिंग हो चुका है मेरा और अभी ओवरऑल कितने पॉजिटिव में है, 4,695 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे फोर्थ स्कैल्पिंग करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ गाइज़, अभी और भी मैं आपको अच्छा अच्छा चीज़ सिखाने वाला हूँ इसमें, तो स्टे ट्यून वीडियो में बने रहो। और अगर आपको भी इसमें डन में ट्रेड करना है, काफ़ी अच्छा है, इजी टू ट्रेड होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप अकाउंट ओपन कर लेना और गूगल फॉर्म भी भर देना सो दैट आपको मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स एक्सेस मिल जाए फ्री में। ओके तो फोर्थ स्कैल्पिंग करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ गाइस। ओके तो अभी टाइम है 9:45 हो रहा है और यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज किया और मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था, ये ब्रेकआउट आया था इस एरिया पे, इसका मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट आया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट फेलियर कैंडल है, तो यहाँ से एक और फॉल आ सकता है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। 900 क्वांटिटी, छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैंने यहाँ पे बाई कर लिया है, ओके मैंने बाई किया है 46,700 का पुट, इन द मनी का पुट है, देखते हैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेंड लाइन के, अगर नीचे जाता है एक भी कैंडल आएगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। फिलहाल अभी ये 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, लेट्स सी। ओके 13,000-53,000, ओके आई थिंक आई शुड बुक द प्रॉफिट, एकदम क्विक स्कैल्पिंग था गाइस। मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर ऑर्डर बुक, ओके इसमें 53,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था बट इसमें 30,000 ही बुक हो पाया, एकदम ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, रुक जाओ। इसको मैंने बाई किया था 9:45, यहाँ पे देखना, ठीक है, 45 पे, और मतलब इधर 11 सेकेंड इधर और इधर 9 सेकेंड, मतलब
20 सेकंड का ये ट्रेड था, मैंने बाय किया 278 पे, 312 पे एग्जिट कर दिया। इस पे और भी ऊपर हाई लगाया था, मैं आपको दिखाता हूँ हाई कहाँ पे लगाया था, 337 का, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कहाँ पे बुक हुआ, इस पे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ 304 पे, सॉरी 312 पे। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, 50,000 55,000 के आसपास। बट कोई नहीं, ये मेरा फोर्थ स्कैल्पिंग था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। अभी टोटल प्रॉफिट 34,779 रुपीज़ का हो चुका है। मैं फिफ्थ स्कैल्पिंग करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ गाइस। गाइस तो अभी टाइम हो रहा है 9:51, और पहले लास्ट ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी में था तो बताया नहीं था। देखोगे लॉजिक क्या रहता है, जैसे ये प्रीवियस ये हाई था, इसका यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेकआउट आया, बहुत सारे लोग ऊपर बाय किए होंगे, मैंने भी यहाँ पे स्कैल्पिंग किया था, ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। फिर से ये जब ये ब्रेकआउट फेलियर कैंडल यहाँ पे बना था ना, तो ये जितने भी ऊपर ट्रैप होते हैं ये पैनिक में आ जाते हैं। दैट्स वाई ये जो स्पाइक आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ये इस पैनिकनेस की वजह से यहाँ पे स्पाइक दिखा था। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ये फॉल कर सकता है, 80% चांसेस है कि इस लेवल को ब्रेक कर देगा। तो मैं यहाँ पे पुट में फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा स्कैल्पिंग मिल जाए। ओके, एक बस मुझे इस कैंडल पे एंटर करना चाहिए था इधर 140 के आसपास, अभी 6-7 पॉइंट ऊपर निकल चुका है। देखते हैं इसमें एक बाइंग तो बनता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज और ट्रेंड वाइज भी, कि मार्केट कभी भी यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है। तो देखते हैं एक बार, इसके नीचे तो जा सकता है, सही कैंडल अगर दिखता है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा विद स्मॉल एसएल। चलो मैं यहाँ पे 46,500 का पुट मैं बाय कर रहा हूँ छोटे से एसएल के साथ। अरे यार बहुत ऊपर बाय हो गया, कितना ऊपर बाय हुआ यार, ये गलत बात है। देख सकते हो गाइस मेरा ऑर्डर कहाँ पे बाय हुआ है, 200 के आसपास बाय हो गया था, ठीक है, जबकि मार्केट इधर ही मूव कर रहा था। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है यार, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ऑर्डर बुक, ये तो लाइव मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया है, देख सकते हो इसमें 28,000 का नुकसान हो गया, फिर से वापस से सेम प्रॉफिट पे आ चुके हैं। दिखाता हूँ बाइंग कितने पे, 194 पे। अब बताओ 194 इसमें चार्ट में बना हुआ भी नहीं है, आप देख सकते हो इसका कैंडल कहाँ है 182, अब इसमें 194 पे मेरा बाय हुआ था। अब क्या कर सकते हैं, ये पूरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है अगर आपके साथ ऐसा ग्लिच होगा ना, ऐसा दिमाग ख़राब होता है। चलो कोई नहीं, होता है ट्रेडिंग में ये सब होता है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करता है ना इस जोन पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे एक और बाइंग बनेगा पुट साइड में, मैं इसी स्ट्राइक प्राइस को बाय करूँगा, क्योंकि इसमें अभी एक ग्लिच की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, अगर इस जोन के आसपास कहीं पर भी क्लोज करेगा तेज़ी से ब्रेक कर देगा ऊपर, ठीक है। तो लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, मोमेंटम स्कैल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर एक बढ़िया सा स्कैल्प मिल जाता है तो फिर पूरा दिन बन जाएगा। गलत कैंडल पे कभी भी एंटर मत किया करो। गलत कैंडल क्या होता है, जैसे कि ये गलत कैंडल है, अगर आप बाय करने का ट्राई कर रहे हो और ऐसे कैंडल पे बाय करते हो तो उसमें नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो सही कैंडल का वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर देगा ना या फिर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पे एक बाय बनता है, तेज़ी से मार्केट ऊपर शूट कर जाएगा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, दैट्स वाई आपको इतना ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा होगा। तो अच्छा रहता है, रिस्क फ्री रहता है, लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा ये पेशेंस का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, क्योंकि अगर लो प्रीमियम पे बाय करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, ये है इन द मनी का, लेकिन आज का प्रीमियम कम रहता है क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो इसमें क्या मैक्सिमम लॉस आपका क्या हो सकता है कि ये जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम 200 पॉइंट या 180 पॉइंट आप, अरे बाप रे, देख सकते हो मैं यहाँ पे बाय करने का ट्राई कर रहा था और इस तरह से स्पाइक लगा, तो मुझे डर लग रहा है इसमें ट्रेड लगाने से। बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से मूव कर रहा है और भी तेज़ी से ऊपर जा सकता है, करने का तो यहाँ पे बाय बनता है। 200 से नीचे आएगा तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, मैंने यहाँ पे 213 पे बाय किया है, लेट्स सी 200 से नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 213, 10-12 पॉइंट कैंसिल दूंगा मैं इसमें। और अभी देखते हैं एक अच्छा सा स्पाइक चाहिए ऊपर, 200 पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ भाई, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है ना, कि कभी भी आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है ऐसे मार्केट में, तो मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है यहाँ पे। ओके और अब इसमें क्या ही नुकसान होगा, यहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अभी 18,000 16,000 17,000 का नुकसान इसमें चल रहा है, पहले इसमें 29,000 के आसपास लॉस था, ये ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं एक अच्छा सा मूव आने दो। ओके क्या बात है, इसमें ऑलमोस्ट ग्रीन में आ चुके हैं, क्लोज पोजीशन, क्लोज पोजीशन। ओके मैंने इसको फाइनली यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है और अभी हमारा टोटल प्रॉफिट है 31,000 का। ओके इस ट्रेड में हमने अच्छा खासा टारगेट पकड़ा, देख सकते हो पोजीशन बुक। ये जो ट्रेड पहले इसमें कितना, रुक जाओ यहाँ पे रुक जाओ, पोजीशन बुक देखते हैं आप देखोगे, ये पहले कैंसिल किया था सक्सेस ऑर्डर में, ये मेरा सिक्स्थ स्कैल्पिंग था, मैंने इसको बाय किया था कितने पे, 213 पे और 241 पे इसको एग्जिट किया, मतलब 10 बजे इसको बाय किया था और 1 मिनट में मेरा ये ट्रेड क्लोज हो चुका था और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, 46,500 का पुट ऑप्शन था। और आप देखोगे तो इसमें पहले कितना 28-29,000 का लॉस था, ठीक है, और उसको रिकवर करके ये ऑलमोस्ट छोटे से लॉस में आ चुके हैं, अभी का टोटल प्रॉफिट है 31,000। एक और अच्छा स्कैल्प अगर मिल जाता है तो फिर बंद कर देंगे दिन, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 6 स्कैल्पिंग हुआ है अभी। ओके गाइस तो अभी टाइम हो रहा है 10:10 और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेड कैंडल, यहाँ पे बिग बार कैंडल क्लोज हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट बाय कर रहा हूँ, ठीक है, स्कैल्पर मोड 900 क्वांटिटी में बाय करूँगा।
46,300 का पुट, सिंपल सा इस कैंडल के लो का ऐसा रहेगा। अभी यहाँ पे करंट मार्केट 206 205 चल रहा है और ये 182 मतलब लगभग 20 पॉइंट के आसपास इसमें चल जाएगा। चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, 207 पे आई थिंक बाय हुआ है। ओके 206 पे अभी 5-6-7 हज़ार का, इसमें 8 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। ओके अच्छा है, मेरा मानना है एक अच्छा सा इसमें पुट में और भी एक यहाँ पे मतलब बैंक निफ्टी एक और फॉल कैंडल बनाएगा। ओके अभी 13 हज़ार का 10 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कैसा मूव करता है। एग्जिट ऑर्डर रेडी है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है गाइस, आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक रहना पड़ेगा। ओके 9-10 हज़ार का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये इधर नीचे आएगा तो एग्ज़िट करना पड़ेगा, ठीक है, इस जोन से नीचे एक भी कैंडल क्लोज किया तो। एनी हाउ यू हैव टू एग्ज़िट योर पोजीशन। अभी 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, लेट्स सी। ओके 15 हज़ार, 18 हज़ार, 18,000 का मैक्सिमम यहाँ पे। एक बस एक और रेड कैंडल आएगा ना 5 मिनट के चार्ट पे तो आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे देगा। 15 हज़ार के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट का बात करोगे तो आपको यहाँ पे 49-47 थाउजेंड का, यहाँ पे 51-52 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है। ओके गुड, 26 हज़ार, 31 हज़ार, चलो 34 हज़ार पे मैंने इसको बुक कर लिया, काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग था। 36 हज़ार, ओके इसमें 36 थाउजेंड का इसमें प्रॉफिट हुआ और मेरा ये 7th स्कैल्पिंग था आई थिंक। हाँ, और अभी टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हो चुका है, 67,400 रुपीज़ का हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, मूव कर रहा है, तो कल मेरा लॉस हुआ था, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। तो आप देख सकते हो दो इसमें बस एक छोटा सा नुकसान है, इसमें छोटा सा नुकसान है, बाकी सभी में प्रॉफिट में। ओके और ओवरऑल प्रॉफिट 67,400 का है। एक बार ऑर्डर बुक आप देख लो, और ऑर्डर बुक में फेल्ड ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, इतना सारा 14, ओके 7th, 7 स्कैल्पिंग किया मैंने और ये टोटल प्रॉफिट आज का इतना है, आप देख लेना। तो काफ़ी अच्छा था, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, मज़ा आया होगा देखने में वीडियो, काफ़ी कुछ सीखे होगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, राधे राधे।